वेलकम फ्रेंड्स, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, विच इज बेसिकली एम्पैथेटिक लीडरशिप। आर यू एम्पैथेटिक लीडर? दोस्तों, रियलिटी ये है कि मोस्ट लीडर्स हैव क्लाइम्ड अप द ऑर्गेनाइजेशन बाय वर्चू ऑफ नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द ऑर्गेनाइजेशन और इन इंडस्ट्री और द आउटकम्स दे प्रोड्यूस फॉर द कंपनी। वेरी सेल्डम इट इज दैट दीज पीपल हु हैव क्लाइम्ड द लैडर्स will actually demonstrate empathy unless they have been mindful in their journey. तो ये एक बहुत rare skill है। बहुत लोग बात करते हैं कि empathy चाहिए, empathy is a key leadership skill, फलाना ढिमकाना, but ultimately if you look around, very few leaders demonstrate this and most leaders don't. So ऐसा क्या कर सकते हैं कि अगर आप एक लीडर हो तो आप अपने अंदर में ये empathy skills develop कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे कुछ पॉइंट्स जिनको आप इम्प्लीमेंट करके यू कैन गेट स्टार्टेड ऑन योर जर्नी टू डेवलप दिस स्किल इन योर लीडरशिप स्टाइल। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड डाइव इन टू द डिटेल्स। नंबर वन पॉइंट, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। बहुत सारे लीडर्स का ये टेंडेंसी है कि दे गो ऑन एंड ऑन, दे डोंट अलाउ अदर्स टू स्पीक। ये इट्स नॉट बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू, बट इट हैज़ गॉटन इन टू देयर स्टाइल। तो वो किसी को बोलने नहीं देते, बोलने का मौका नहीं देते। दे कम इन टू द मीटिंग विद डायरेक्शंस एंड दे जस्ट गो ऑन एंड ऑन। वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज एज एन एम्पैथेटिक लीडर यू नीड टू लेंड योर ईयर्स सो दैट आपकी जो टीम मेंबर जो बोल रहे हैं आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझें। सो इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। जब आप एक्टिव लिसनिंग करोगे दैट्स व्हेन यू विल गेट टू नो द पर्सपेक्टिव ऑफ योर टीम मेंबर्स, व्हिच बाय द वे इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर टू, रिकॉग्नाइज एंड एक्नॉलेज द इमोशंस ऑफ योर टीम मेंबर्स। इट इज हाईली पॉसिबल दैट द टीम मेंबर हु इज कमिंग टू द वर्क मे नॉट बी कमिंग एट द बेस्ट ऑफ हिज मेंटल हेल्थ। हो सकता है उसके घर में कुछ इश्यूज हो सकता है कुछ और चैलेंजेस हों। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट योर एम्प्लॉयज और योर टीम मेम्बर्स मे बी फ्रस्ट्रेटेड, मे बी एंग्री, मे बी यू नो वेरी एक्साइटेड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर, एटलीस्ट यू नो द वंस हु आर ट्राइंग टू बी एम्पैथेटिक, टू रियली अंडरस्टैंड दैट यू नो वॉट दैट टीम मेम्बर्स रियल इमोशंस आर। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज दैट इमोशंस, क्योंकि तभी आप उनकी परस्पेक्टिव समझ पाओगे, क्योंकि एम्पैथी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग देयर परस्पेक्टिव। पॉइंट नंबर थ्री, शो कंपैशन एंड केयर, नॉट जस्ट इन वर्ड्स, इन डीड्स टू। कैसे करोगे? सो बहुत बार ऐसे होता है कि टीम मेम्बर्स स्ट्रगल करते हैं नेविगेटिंग देयर वेज और दे स्ट्रगल इन प्रायोरिटाइजिंग थिंग्स। दे जस्ट डोंट नो वॉट टू डू बट दे कीप ऑन डूइंग बिकॉज इट्स यू नो द ऑर्डर्स फ्रॉम अपस्टेयर्स। सो इन केसेस में आप टीम मेम्बर्स के साथ बैठ के यू कैन एक्चुअली लुक एट फिगरिंग आउट अ वे फॉर देम। You are not saying you find the way for them. You help them so that they find the way themselves, so that this can become a skill for them going forward. They don't have to come to you again and again. Basically, aap unko empower kijiye. So it's very important that you show that compassionate care, not just in words, but also in deeds. Number four point, keep your communications channel open. It is important for an empathetic leader to have to create that fair environment, to create that safe environment where the team member is willing to speak up, is not afraid to speak his mind. जो उसके साथ हो रहा है या जो वो बताना चाह रहा है, he should be able to express freely with the person. It can be done in many ways: skip level meetings, 1:1 meetings, proactive meetings. You know, time to time you keep communicating with the team so that they know that you are approachable and you are of course available to listen to their concerns. So extremely important that you keep the communication channels open. Point number five, ये एक बहुत important point है। Most leaders try to project themselves as superheroes कि भाई मैंने तो कोई गलती करी नहीं है अपने करियर में, मैं तो यहाँ पे ऐसे ही पहुँच गया, बहुत fast track था मेरा promotion में, बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँच गया। But it is very important that you share your vulnerabilities, you share your failures too. That's when you become a relatable leader. और empathy के लिए people need to relate with you. अगर आप हमेशा अपने सुपर हीरो वाली इमेज लेके खड़े रहोगे so people will not be able to relate with their struggles with your struggles. So it's important that you share stories about where you have not done things right, what has not gone well with you. It's very important to make that connect and make them feel part of your team. Point number six,
जब आपके पास एक टीम होती है, इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट उनकी जो नीड्स हैं वो मोर और लेस एक पैटर्न फॉलो करेंगे. एब्सोल्युटली नो डिबेट देयर. एक टीम होगी तो मोस्ट ऑफ द नीड्स विल बी अराउंड 70-80% ऑफ द नीड्स विल हैव दैट पैटर्न. बट देयर विल स्टिल बी दैट 20% नीड दैट द इंडिविजुअल पर्सन मे हैव. सो एज अ लीडर यू नीड टू बी कॉग्निजेंट अबाउट इट. Please note, I am not saying that you have to go around and fulfill everybody's that 20% delta need. Absolutely not, because most of the time these demands or these needs may not be genuine. So, but if you cut them out and if you follow the idea that only I will work on the general pattern of needs, that's when you are not showing empathy towards those 20% of the need that the people or the team members might be having. So it's important to be cognizant, it's important to recognize them. Whether something can be done to resolve them or not is something different. But what I'm trying to say is never underestimate or never overlook the needs that are very specific to an individual. Maybe there is that genuine need that may go unnoticed if you follow a one-size-fits-all approach. Point number 7. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सीक फीडबैक रेगुलरली. टीम के साथ मीट कीजिए, फीडबैक लीजिए. हाउ यू आर डूइंग एज अ लीडर, आर यू एम्पैथेटिक, आप उनकी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो. हो सकता है इनिशियली आपकी टीम मेम्बर्स मे नॉट ओपन अप. दे माइट थिंक कि भाई मैं लीडर को इधर उधर कुछ बोल दूंगा तो फिर यू नो द रिटेलिएशन मे हैपन. सो यू टू क्रिएट दैट एनवायरमेंट वेयर नॉट ओनली यू आर ओपनिंग दैट चैनल फॉर कम्युनिकेशन, यू आर ऑल्सो गिविंग दैम यू नो दैट एश्योरेंस that they can give you some unfiltered feedback as well. It takes a lot of courage, by the way, as a leader to actually open up and take that feedback. Because feedback to positive, negative, dono aayengi. Agar dono aati hai, to do you have the skill to take the negative feedback in an appropriate way or not? So it takes courage to do that. But I'm sure, agar aap leader ho aur agar aapne socha hai ki mujhe apne aap ko develop karna hai, you will definitely be able to take your feedback in a constructive way. Last but not the least, I want to emphasize on a point why empathetic leaders are important. Because research indicates that when you have an empathetic leader, the team performs better, the team becomes a more high-performing team, they have a better morale, they have a better environment. So which is why even the organizations have started taking note of this. So if you see nowadays, if there is a hiring for a leadership role, there will definitely be many questions which will help them probe whether you have the empathy quality in you or not. So it's important that you understand that being empathetic is a very integral part of your leadership journey. So I hope that with the points that I discussed in this video, you will be able to embark on your leadership journey and try to imbibe this particular and important skill in your leadership style. Thank you so much for watching today, and do share, subscribe, and like. Thank you so much.